हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम चर्चा करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट, खूबसूरत और फेमस पोएम टिंटर्न एबी की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द ग्रेटेस्ट लवर पोइट ऑफ नेचर। वो अपनी पोइट्री में बहुत ही ब्यूटीफुल साइट्स एंड साउंड्स ऑफ नेचर की बात करता है, और ये रोमांटिक मूवमेंट को शुरू करने वाला जो पोइट्स थे उनमें से एक था। रादर इसी की बुक जो कॉलरिज के साथ लिरिकल बैलेट 1798 में पब्लिश हुई थी, तो हम उसी ईयर को मानते हैं कि हमारी रोमांटिक मूवमेंट जो इंग्लिश लिटरेचर में थी वो इसी साल से शुरू हुई थी। इसका जन्म 1770 में और डेथ 1850 में हुई थी, और ये इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट भी रहा था 1843 से 1850 तक। जो फुल टाइटल है इस पोएम का वो है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे ऑन रीविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 1798। तो ये सारा जो मैंने अभी बोला ये इस पोएम का पूरा टाइटल है, लेकिन जनरली हम इसे टिंटर्न एबे से ही बात करते हैं, इसी को इसका नाम कंसिडर किया जाता है। और ये जो पोएम है ये स्पीकर की इस डेक्लरेशन से स्टार्ट होती है कि एक जगह है टिंटर्न एबे नाम की इंग्लैंड में कंट्री साइड पे, तो जहाँ पे जो पोइट है वो 5 साल के बाद दोबारा आया है। तो उस टाइम जो उसके मन में फीलिंग्स आई, जो फ्लैशबैक के थ्रू बातें उसके मन में आती हैं, और जो अब उसके दिमाग में वो सारी इमेजरी, साइट, साउंड्स, जो भी उसके मन में आ रहा है, तो ये पोएम जो है वो उन सारी बातों की, फीलिंग्स की और मेमोरी की एक कलेक्शन है। सारी पोएम ब्लैंक वर्स में कंपोज की गई है। ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर्स में अनराइम्ड लाइंस लिखी जाती हैं, और ये रोमांटिक पोइट्स का फेवरेट मीटर है। पोएम इतनी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल है कि ये जज करना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वेदर इट इज़ अ पोएम या फिर हमसे कोई यूं ही बात कर रहा है। और ये पोएम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से क्रिटिक्स या बहुत सारी जगह पे आपने भी पढ़ा होगा कि वर्ड्सवर्थ का जो लव फॉर नेचर था वो स्टेजेस बाय स्टेजेस डेवलप होता है, और इस पे क्रिटिक्स ने 3 स्टेजेस ज़्यादातर जगह पे बताया जाता है कि डिपेक्ट किया जाता है कि वर्ड्सवर्थ हैज़ 3 स्टेजेस फॉर हिज लव ऑफ नेचर। तो वो ये जो 3 स्टेजेस हैं वो इसी पोएम से हमारे सामने आती हैं कि पहले स्टेज में उसका लव कैसा था, फिर जब ग्रो होता है तो क्या होता है और क्या चेंजेस आती हैं, और फिर वो 3री स्टेज पे पहुंच के वो कैसी थी, वो प्यार कैसा था या क्या चेंजेस आई। तो वो डिग्रीज बाय डिग्रीज जिस तरह से डेवलप होता है वो सारा हम इस पोएम में देखेंगे। इसके साथ ही जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री है वो भी इस पोएम में बहुत ही खूबसूरती से नज़र आती है। ये पोएम बड़ी कॉमन चीज़ों के बारे में जो किसी की लाइफ में भी हो सकती है उसके बारे में लिखी गई है, किस तरह से फिर नेचर के साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है, मैच्योर होता है, और लास्ट में वो किस तरह से नेचर उसे मॉरल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देती है। जैसे ही पोएम शुरू होती है हम देखते हैं कि पोइट जो है वो साउथ ईस्ट वेल्स में रिवर वाई के बैंक पर टिंटर्न एबे नाम की एक जगह पे 5 साल बाद आया है। हालांकि टिंटर्न एबे नाम की जो बिल्डिंग है पूरी पोएम में उसका कहीं भी जिक्र नहीं आता, लेकिन ये टाइटल में हमें नाम दिया गया है जिससे हमें ये पता लगा है कि वो वही जगह पे है। वो 5 साल बाद आया है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ लैंडस्केप में, ये उसी तरह काम और क्वाइट है जिस तरह से ये 5 साल पहले था। वाटर उसी तरह से मर्मर कर रहा है सॉफ्टली, जो ब्रूक है वो रन कर रही है, सारा लैंडस्केप ग्रीनरी, ट्रीज पे जो फ्रूट्स हैं वो स्टिल ग्रीन है और लीव्स भी ग्रीन है, हैजरोज जो हैं वो इस तरह से बड़ी हुई हैं जैसे वो बुशेस के आसपास प्लेफुल मूड में बाउंड्री बना रही हैं, भाग रही हैं, और फिर उसे कहीं ट्रीज में से एक धुआं उठता सा नज़र आता है, और उसे ऐसा लगता है, ये पोइट की इमेजिनेशन है, पोइट को ऐसा लगता है जैसे कोई दूर जिप्सीज
जिप्सी पीपल होते हैं, जो बजारा लोग होते हैं, जो कहीं भी थोड़ी देर के बाद जगह बदल लेते हैं, तो उसे लगा है कि शायद दूर कहीं जिप्सीज रह रहे हों, तो उन्होंने आग जलाई हो, या फिर कोई हर्मिट, हर्मिट मतलब जो वैग्रेंट ड्वेलर्स होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, कोई ऋषि मुनि जिस तरह से होते थे हमारे, तो शायद उन्होंने अपने झोंपड़ी के बाहर कुछ आग जला रखी है। तो कुल मिला के एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन क्रिएट होता है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, ऑल नेचर, प्योर नेचर, और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद वो अपने लव ऑफ नेचर की बात करता है। अब उसे जो भी उसने बचपन में इस नेचर के साथ जैसा भी उसका एक रिलेशन था, वो उसकी बात करता है। उसे ऐसा लगता है कि जब वो बॉयहुड में था, अपने बचपन में था, तो तब भी वो ये सारी चीज़ों के संपर्क में था, लेकिन तब उसमें, उस प्यार में, उस इंटरेक्शन में मैच्योरिटी नहीं थी, वो एक प्योर जॉय था। यहाँ पे वो अपना कंपैरिजन एक रो के साथ, एक डियर, हिरण के साथ कंपैरिजन करता है, जो सिर्फ भागता है, दौड़ता है, और उसमें वो सेंस नहीं है, इंटेलेक्चुअल सेंस नहीं है कि वो नेचर के प्रति जो प्यार है खुद का, उसे समझ सके या उसको कोई नाम दे सके। वो सिर्फ कंपनी ऑफ नेचर इन्जॉय करता है, जिस तरह से आपने देखा ही होगा कि डियर किस तरह से भागते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो एब्जॉर्ब करना चाहता था नेचर को अपने अंदर, ताकि वो उसकी हो जाए बस। वो ब्रूक्स पे रन करता था, वो जो ऑर्चर्ड्स थे वहाँ पे भागता दौड़ता था, ट्रीज में ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, तो बस वो नेचर को पा लेना चाहता था। तो इसके लिए वो बहुत ही खूबसूरत लिखता है, व्हेन लाइक अ रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स बाय द साइड्स ऑफ डीप रिवर्स एंड लोनली स्ट्रीम्स वेयर एवर नेचर लेट। ये उसके लिए, नेचर के लिए जो उसका प्यार है, उसकी पहली स्टेज है। एंड एट दैट टाइम उस बच्चे के लिए नेचर वॉज एवरीथिंग, उसकी फिजिकल और इमोशनल डिज़ायर्स सब नेचर के साथ ही हैं। उसको लगता है द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, नेचर वॉज देन एन एपिटाइट कि उसको पा ले बस, फीलिंग है, एक प्यार है, मगर इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं है। क्योंकि जो बचपन है, आपको पता होगा, बचपन एक प्योरिटी, एक इनोसेंस होता है, उसमें हम चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस के नज़रिए से नहीं देखते हैं, उसमें सिर्फ प्योरिटी है, जॉय की प्योरिटी है, खूबसूरती की प्योरिटी है, बाउंडलेस है सारा कुछ। मगर सारी ज़िंदगी हम बचपन में नहीं जी सकते, एंड दैट स्टेज इज़ नो मोर। जो यहाँ पे पोइट वर्ड यूज़ करता है, द स्टेज ऑफ एकिंग जॉयज एंड डिजी रैप्चर्स इज गॉन, वो अब जो स्टेज है वो चली गई है, और पोइट सेज अब उसकी जगह और खुशियाँ आ गई हैं। मतलब नेचर हमें हमेशा कंपेंसेट करती है, अगर हमसे हमारा बचपन चला गया है तो हमें यूथ मिल जाता है, हमें जवानी मिल जाती है, हम इंटेलेक्चुअली डेवलप हो जाते हैं, हम चीज़ों को रीज़न करना, लॉजिक सीख जाते हैं कि अगर हम नेचर को प्यार करते हैं तो क्यों करते हैं, तो हम उसके चीज़ों के पीछे की सच्चाई को जानने लगते हैं, जो हम बचपन में नहीं करते। इसलिए पोइट की जो सेकेंड स्टेज ऑफ लव है टुवर्ड्स नेचर, इसमें वो मैच्योर और सोम्बर हो गया है। नाउ ही इज़ एबल टू हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब कि अब वो नेचर में एक यूनिवर्सल और टाइमलेस कनेक्शन सेंस कर सकता है, जो हमारे माइंड को प्योर कर सकता है, हमें हम्बल और काम करता है। अब वो सारी नेचर में एक सेलेशियल प्रेजेंस, एक डिवाइन प्रेजेंस को फील करता है, सेटिंग सन, ओशन, लिविंग एयर, इन सब में उसे एक गुडनेस, एक सबलिमिटी फील होती है, जो कि सारे यूनिवर्स को बाइंड करती है। दैट इज़ वाई वर्ड्सवर्थ अपने आप को लवर ऑफ नेचर कहता है। अब उसे नेचर अपनी एंकर, गार्डियन और नर्स लगती है, जो कि उसकी स्टेज ऑफ लव ऑफ नेचर, अब उसकी थर्ड स्टेज शुरू होती है, जब वो कहता है द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाट, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul, of all my moral being. इसलिए वो फिर से रिवर वाई के बैंक्स पे आया है। अब जो समझाने वाली बात है, अब वो मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ड्सवर्थ है इसमें कहना क्या चाहता है हमें।
वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि ये जो ग्रीनरी है, ये जो नेचर के साइट्स और साउंड है, ये ब्रुक्स की मर्मर है, ये सारी इमेजेस वो अपने माइंड में स्टोर कर रहा है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ जो पोइट्री है वर्ड्सवर्थ की, उसमें उसने ये सारी बातें लिखी है कि पोइट्री इज़ द एक्सपीरियंसेस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. मतलब कि हमारा जब माइंड एट पीस होता है, जब भी हमारे सामने जिस तरह से के भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, हम उन्हें अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं और हम कभी भी उनको रिविजिट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारा नेचर के पास रहना ही हमेशा ज़रूरी नहीं होता. नेचर हमें एक ट्रैंक्विलिटी देती है जो कि सिटी लाइफ में पॉसिबल नहीं है. सिटी लाइफ में क्या है, सिटी लाइफ में एक रैट रेस है, भागम भाग है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीज, ये सब कुछ. उसे वो कंपैरिजन करता है अपने लंदन के डेज को और जो उसने यहाँ टाइम बिताया है नेचर के पास, उसके साथ इन दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करता है. मगर वो लंदन की लाइफ में ये सारी सुकून के पल कभी नहीं ढूंढ पाता और वो कहता है कि उसे नेचर की कंपनी में ब्लेस्ड फील होता है और उसके जो वर्ल्डली बर्डन्स हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो कम हो जाती हैं. एंड दैट ऑफुली पावरफुल मूड जस्ट रिकॉलिंग द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ द नेचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अनइंटेलिजिबल एंड मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि जो ये दुनिया है, जो दुनिया को वो बड़ी एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी और अनइंटेलिजिबल, जो आसानी से समझी नहीं जा सकती, इंट्रिकेट जगह मानता है, लेकिन कहता है कि जो लव फॉर नेचर है वो हमें इस इन अनइंटेलिजिबिलिटी और मिस्ट्री को समझने में हेल्प करती है. पोइट उस ब्लेस्ड मूड की ही बात करता है इन विच द अफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन, जब उसे लगता है कि उसकी फिजिकल बॉडी उसके लिए इररेलेवेंट हो गई है और सिर्फ सोल इज देयर एंड ओनली दिस मैटर्स. ये वही एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं जैसे कोई मेडिटेट करता है, तपस्या करता है, जिसे हम मुक्ति कह सकते हैं, जिसे हम मोक्ष कह सकते हैं, जिसमें फिजिकल बॉडी नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है और भगवान के साथ या खुदा के साथ आपका मिलन हो जाता है. ये पावर पोइट को नेचर में दिखती है और पोइट बिल्कुल इस थ्योरी से एग्री करता है, वरना वो बार बार नेचर के पास क्यों आता. इसलिए वो फिर से रिवर वाय के बैंक्स पे आया है. वो तीनों स्टेजेस बताता है. पहली स्टेजेस उसने बताई है जब वो नेचर के साथ सिर्फ उसको इंजॉय कर सकता है, उसको पाना चाहता है. दूसरी स्टेज में जब स्वॉम्बनेस एक डेवलप हो गई है उसमें और जब वो एक सबलिमिटेड फील करता है. और तीसरी स्टेज में नेचर उसके लिए सब कुछ बन गई है, भगवान बन गई है, उसकी एंकर है, गाइड है, गार्डियन है, नर्स है, सब कुछ उसको नेचर में ही मिल गया है. अब वो रिवर वाय पे अपनी छोटी बहन डॉरथी के साथ आया है जो कि उसकी बहुत ही एक डियरेस्ट फ्रेंड है. और उसमें पोइट को अपने पुराने दिन दिखते हैं क्योंकि वो छोटी है और वो अपनी सिस्टर को भी यही कहता है कि वो नेचर से प्यार करे क्योंकि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर. जो नेचर प्यार करता है, नेचर उनके साथ कभी भी बेवफाई नहीं करती. वो हमारे मन को क्वाइटनेस और ब्यूटी से भर देती है, वो भी तब जब हमें ज़माने के कितनी सितम ईवल परेशानियाँ सहनी पड़ती हैं, ईवल टंग्स, ड्रेरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, रैश जजमेंट्स, स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन. नेचर हमें इन सभी से लड़ने का हौसला देती है, करेज देती है. इसीलिए तो वो कहता है, देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन thy solitary वॉक एंड लेट द misty माउंटेन winds बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट दी. यानी कि नेचर के साथ अपनी जो मित्रता है, अपनी जो फ्रेंडशिप है, उसको और डीप करो. और वो डॉरथी को नेचर को एक्सपीरियंस करने को कह रहा है ताकि वो भी नेचर में उस सेलेशियल प्रेजेंस को फील कर सके जो कि वर्ड्सवर्थ को नज़र आया है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से निपटना सीख सके. वो इमेजिन करता है कि जब कुछ सालों बाद वो मर जाएगा और अपनी सिस्टर के साथ नहीं होगा, तो वो होप करता है कि डॉर्थी ये दिन हमेशा याद रखेगी कि ये दिन कितना प्रेशियस है उन दोनों के लिए. और इसी होप के साथ पोएम जो है वो ख़त्म हो जाती है. दोस्तों, वर्ड्सवर्थ को समझना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है.
क्योंकि वह कोई भी क्लासिकल रेफरेंस या इंट्रिकेट प्रोसीजर फॉलो नहीं करता अपनी पोइट्री लिखने में, वो सिर्फ प्योर पोइट्री करता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो लाइफ की बड़ी कॉमन चीज़ें अपनी पोइट्री में डिस्कस करता है। एंड दिस इज़ सिंपली अ पोएम ऑफ जॉय। वर्ड्सवर्थ को नेचर में ही गॉड मिल गया। आज के दौर में जब हर इंसान अपने आसपास के स्ट्रगल से, ओवरवर्क से, बोर्डम से, कॉरपोरेट कल्चर से, मेट्रोपोलिस कल्चर से परेशान दिखता है, तो वो इस पोएम को और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी हर मुश्किल का हल नेचर में ही ढूंढा है। और मैं होप करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से वर्ड्सवर्थ की जो इतनी डिपेंडेंस थी नेचर पे क्यों थी और क्यों हम उसे पोइट ऑफ नेचर कहते हैं। हमारा वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।